जो सनातन मिट न सका रावण की हंकार से, जो सनातन मिट न सका कंस की तलवार से, जो सनातन मिट न सका कांग्रेस और मुलायम सिंह के राम भक्तों पर गोलियां चलाने के अत्याचार से, वो सनातन क्या मिटेगा इस स्टालिन के बयान से। मैं चेतावनी देता हूं तमिलनाडु की सरकार को और तमाम सारे तमिलनाडु के सनातन हिंदू धर्मियों को, उन्हें आह्वान करता हूं इस सनातन विरोधी स्टालिन के विरुद्ध जन जागरण अभियान चला जाए और पूरे तमिलनाडु से जब तक ये स्टालिन की सरकार का राजनीतिक सूर्यास्त न हो जाए तब तक चैन से मत बैठे। तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन का एक विवाद जो दक्षिणी भारत से लेकर उत्तर भारत तक सियासी हंगामा बचा देता है और उसकी अब लपटे और उसकी चिंगारी जनपद सहारनपुर तक पहुंच चुकी है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी के संस्थापक विजयकांत चौहान। कैसे देखते हैं विजयकांत चौहान स्टालिन जी के बयान को? जो सनातन मिट न सका रावण की हंकार से, जो सनातन मिट न सका कंस की तलवार से, जो सनातन मिट न सका कांग्रेस और मुलायम सिंह के राम भक्तों पर गोलियां चलाने के अत्याचार से, वो सनातन क्या मिटेगा इस स्टालिन के बयान से। मैं चेतावनी देता हूं तमिलनाडु की सरकार को और तमाम सारे तमिलनाडु के सनातन हिंदू धर्मियों को, उन्हें आह्वान करता हूं इस सनातन विरोधी स्टालिन के विरुद्ध जन जागरण अभियान चला जाए और पूरे तमिलनाडु से जब तक ये स्टालिन की सरकार का राजनीतिक सूर्यास्त न हो जाए तब तक चैन से मत बैठे। पूरे भारत के अंदर ये अभियान चलना चाहिए। कोई भी भारत के अंदर सनातन विरोधी भगवे का विरोध करेगा उसका जीना हराम कर दिया जाएगा। और मैं भारत सरकार से, वहाँ की सरकार से और सुप्रीम कोर्ट के उन माननीय चीफ जस्टिस महोदय से जो स्वतः संज्ञान लेने का अभियान चलाते हैं, इस मामले पर स्वतः संज्ञान क्यों लेते? अगर ये बयान किसी और धर्म के खिलाफ होता तो आज पूरे देश में गजबाए हिंद का आह्वान होता और सर तन से जुदा करने का अभियान चल रहा होता। मैं पुनः इस देश की जनता से, आज इस पावन पवित्र स्थान से, विश्व हिंदू महासंघ की ओर से स्टालिन सरकार को चेतावनी देता हूं कि भारत के अंदर अब और सनातन विरोधी इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएंगे। विजयकांत भैया विरोध की बात कर रहे हैं, वो तो खतरनाक डेंगू मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी बता रहे हैं सनातन धर्म को। जो के और लोग होते हैं वो केवल इसी तरह भाषण देके लोगों को उकसाने का काम करते हैं। वो राजनीतिक पार्टी जो है पूरे हिंदू सनातन विरोध के ऊपर इसका जन्म हुआ है। इसका इतिहास उठा के देखिए, पूरे तमिलनाडु के अंदर इसका जो बाप था वो भी हिंदू विरोधी था, इसका जो दादा था वो भी हिंदू विरोधी था। इस पार्टी का जन्म ही सनातन धर्म के विरोध के ऊपर हुआ है और इस पार्टी का जन्म कांग्रेस के साथ उन विदेशी नेताओं ने, जो अंग्रेज थे उन्होंने मिलकर और कुछ मुस्लिम नेताओं ने इनको लाखों रुपये फंडिंग करके उस वक्त करोड़ों देके स्थापित किया है। और ये हिंदुओं के अंदर जातिवाद का जहर घोलने के लिए, उस वक्त जो लोग हिंदू कट्टर थे उनके अंदर जो बेचारे मजबूर लोग थे, परेशान लोग थे, जिनके घर उस वक्त दवाई की दिक्कत थी, रोटी की दिक्कत थी, उन लोगों को इन्हें रोटी पानी की दवाई का लालच देके जबरन ईसाई बनाया और ईसाइयों की आंधी चलाकर धर्मांतर का लालच देके वहाँ ये अभियान चलाया। वही लोग आज पुनः जो हिजड़ों की एक फौज तैयार करके हिंदुओं को ललकारने का काम करें, और हिंदू इन लोगों से डरने वाले नहीं है। पूरे तमिलनाडु के अंदर इस पार्टी का राजनीतिक सूर्यास्त करके ही हम दम लेंगे, चैन से बैठेंगे। सारे सनातन धर्म के लोग, मैं उनसे आह्वान करता हूँ, अपने मतभेद भुला के, मनभेद भुला के, जातिवाद भुला के, क्षेत्रवाद भुला के, भाषावाद भुला के, अगर अपने आप को आने वाले भविष्य में जिंदा देखना चाहते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य की आपको चिंता है, तो इस देश के अंदर तमाम जितने राजनीतिक लोग जो भारत के अंदर सनातन का विरोध करते हैं, भगवे का विरोध करते हैं, हमारे हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, इनके सबका राजनीतिक सूर्यास्त करना चाहिए, इनका राजनीतिक बहिष्कार करना चाहिए, इनको किसी प्रकार की कोई मदद हिंदू धर्म के तमाम सारे लोगों से नहीं चाहिए, और इनका मंदिरों में प्रवेश भी बंद होना चाहिए। किसी भी मंदिर में इन सनातन विरोधी की एंट्री नहीं होनी चाहिए और हिंदुओं को एकजुट होकर अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, भगवा विरोधी कोई बयान देने की हिम्मत ना कर सके। कुछ अन्य हिंदू धर्म संगठन से जुड़े हुए पंडित जी भी मौजूद हैं, नाम जानना चाहते हैं सर आप? मेरा नाम पंडित ऋतिक भार्गव है। भार्गव जी कैसे देखते खासतौर से वो सम्मेलन जो है सनातन को खत्म करने के लिए सम्मेलन किया गया था, क्या लगता है जहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बातें होती हैं सनातन धर्म की बातें होती हैं, अब उसी को जिस देश के अंदर 80% बड़ी आबादी सनातन धर्म की निवास करती है, क्या उसको भी खत्म करने की बात होनी चाहिए? अब देखिए सनातन का भी खत्म नहीं हो सकता, सनातन अखंड है और अखंड हमेशा ही रहेगा, क्योंकि भगवान ने ही स्वयं इस सनातन धर्म की उत्पत्ति की, और सनातन कोई आज का धर्म नहीं है, प्राचीन काल से सनातन धर्म है, इसे कभी ना कोई मिटा सका ना ही कभी कोई मिटा सकता। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ बहनें हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करना चाहेंगे जो दिखा सकते हो सनातन धर्म से भी जुड़ी हुई हैं। बहन जी क्या नाम है आप? पूनम चौधरी। पूनम चौधरी जी कैसे देखते हैं इस बयान को? अब तो देखते हो सनातन धर्म को नष्ट करने की बातें भी हो रही हैं। नहीं, सनातन धर्म कभी नष्ट थोड़ा ही हो सकता है।
ये तो जो लोगों ने जिन लोगों ने भी ये टिप्पणी दी है वो गलत दी है। सनातन धर्म तो हमारा धर्म है, इसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो अपने बयान से पीछे नहीं आ रहे, कह रहे कि मैं इसका विरोध करता हूँ और अपने बयान वापस नहीं लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग भी विरोध करेंगे अगर वो ऐसा करेंगे तो। सनातन धर्म ना कभी नष्ट हुआ, ना कभी ये नष्ट होगा, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता सनातन धर्म। चलिए कुछ और बहनें उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहन जी किस प्रकार देखते हैं इस बयान को, स्टालिन के बयान को? आगे से अच्छा ही है, हमारा जो सनातन धर्म है बहुत अच्छा है और कंधे से कंधा मिला के चलना है, इसमें बहुत ताकत है। और धर्म से बहुत पावरफुल है और यही है कि आपस में बहन भाइयों के प्यार एकता रहे और संगठ कंधे से कंधा मिला के चलें, यही हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, तो क्या लगता है सनातन धर्म कहीं अब खतरे में है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो चर्चा होती रहती है पर हाँ, ये हमारा धर्म बहुत बढ़िया धर्म है और धर्म से बहुत ताकतवर धर्म है।